7A2A statement is laid on the table of the House. Never happened. सर आदरणीय मंत्री जी का जो जवाब है वो बहुत ही देश के लिए चिंताजनक है क्योंकि एड्स के पेशेंट जो 2007 में 1,62,879 थे वो अब 2009 में अभी तक 4,03,563 हो चुके हैं। हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं, क्लेरिफिकेशन इसके लिए ये चाहते हैं कि हमने अपने सवाल में पूछा था कि क्या एचआईवी पॉजिटिव जो एड्स के पेशेंट हैं उनके नाम जनतक करने का कोई प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन है, तो जवाब है ना में। तो ये जो इतने बड़ी संख्या में एड्स पेशेंट में बढ़ोतरी हो रही है, इतने प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के बावजूद भी कि सरकार ने बोला है कि हम बड़ी कई तरह की कंपेन लॉन्च की है इसके बारे में अवेयरनेस और एजुकेशन देने के लिए, बट इसके बावजूद भी ओडिशा जहां 2007 में एक पेशेंट था एचआईवी का, अब इस ईयर में 3,219 है। तो मैं मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि जब इनकी सारी अवेकनिंग कंपेन फेल हो गई है तो क्या अब ये इस पर विचार करेंगे कि जो इन्होंने ग्राउंड दी है कि भाई हम स्टैग्मिक की वजह से और उनको उनका समाज में रुतबा बना रहा है इसलिए नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, तो क्या ये देश की जनता को बचाने के लिए अब ये विचार करेंगे कि हम उनके नाम जनतक करेंगे और जनता में भी एक कंपेन लॉन्च करेंगे कि जिनके नाम जनतक किए जाएं उनके लिए कोई भेदभाव ना अपनाया जाए। ऑनरेबल चेयरमैन सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये ऑनरेबल मेंबर को बताना चाहूंगा, हाउस को भी, कि हमारा ये कैंपेन फेल नहीं हुआ है। यदि आप आंकड़े देखें तो प्रिविलेंस रेट में जरूर कमी आई, ये चिंता का विषय आवश्यक, मगर सवाल उन्होंने किया कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी को आप गोपन क्यों रख रहे हैं, आप इसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते। सर द प्रॉब्लम इज एंड यू विल अप्रिशिएट एंड आई एम श्योर द हाउस विल अप्रिशिएट इज द स्टिग्मा अटैच्ड एंड एनीबडी हु सफर्स फ्रॉम एनी डिजीज हैज द राइट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इट्स क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन राइट्स एज सच एंड आई डोंट थिंक सो देर इज एनी इश्यू इन्वॉल्व। इवन द इंटरनेशनल बॉडीज हैव ऑलवेज एम्फसाइज कि जिसको भी कुछ हुआ है ना तो उसको स्टिग्मा होना चाहिए, पूरा ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और उनको भी डिग्निटी के साथ जीने का एक अधिकार है, तो इसके लिए इसको हम गोपन ही रखेंगे। सर दूसरा सवाल। सर मैं दूसरा सप्लीमेंट कर रहा हूं जी, और मेरा ये फिर कहना है कि आई डू एग्री कि भाई हमें उनके साथ सेफ्टी रखनी चाहिए और हमें उनके उनका सोशल स्टेटस बना के रखना चाहिए, बट जो नुकसान हो रहा है इसके कारण उसके ऊपर जरूर सरकार को सोचना चाहिए, नहीं तो आने वाले भविष्य में ये बड़ा एक चैलेंज हो जाएगा। और दूसरा हमारा जो सप्लीमेंट है सर, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर ये एचआईवी पॉजिटिव का नाम डिक्लेयर अभी नहीं करना चाहते तो क्या ये प्रावधान करने का कोई सरकार विचार करेगी कि मैरिज से पहले कोई एचआईवी पॉजिटिव का टेस्ट सरकार कंपलसरी बनाने जा रही है या नहीं, क्योंकि ये बहुत संजीदगी का विषय है, इसको मजाक में लेने की ज्यादा जरूरत नहीं। हम इसलिए कह रहे हैं कि जो बच्चे एड्स पीड़ित पैदा होंगे उनके भविष्य के लिए कौन जिम्मेवार है, तो क्या सरकार की इसके ऊपर कोई नीति बनाने का, इसके ऊपर कोई कानून लाने का, इसके ऊपर कोई विचार करने का सरकार की प्रपोजल है, और हम ये कहना चाहेंगे कि भाई आपको ये सवाल पूछ लिया। थैंक यू सर, ये एक सोच जरूर है,
मगर इसके लिए एक व्यापक डिस्कशन होना चाहिए।